बात करेंगे छत्तीसगढ़ की और बात होगी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की, जिन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है और एक संदेश दिया है। संदेश दिया है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने, जल जगार महोत्सव बनाया जाएगा, 5 और 6 अक्टूबर को होने वाला है जल जगार महोत्सव। सीएम विष्णुदेव साय ने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। और हमारे नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ शासन के तत्वाधान में धमतरी जिले में जल जगार अभियान चलाया जा रहा है। जल जगार जल के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में कार्य और इसके लिए स्वयं से लेकर आम जनों को जागरूक करने का एक महाअभियान है। इसके तहत आगामी 5 और 6 अक्टूबर को धमतरी में आराध्य देवी माँ अंगार मोती और हमारी जीवनदायिनी महानदी के आंचल में जल जगार महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विविध प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। जल शक्ति से जन शक्ति के पर्याय इस महोत्सव में आइए हम सब जुड़ें और जल के संवर्धन संरक्षण की दिशा में छत्तीसगढ़ के बढ़ते कदम को पूरी दुनिया को बताएं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। तो एक अच्छी पहले नवाचार है सरकार का, बीजेपी सरकार का, सीएम साय का। आखिर ये महोत्सव है क्या, क्या खास है इसमें, देखिए ग्राफिक्स के माध्यम से। धमतरी में होगा जल जगार महोत्सव, धमतरी में इसका आयोजन किया जाना है और 5 से 6 अक्टूबर को महोत्सव का आयोजन होगा। खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचेंगे, सीएम विष्णुदेव साय भी महोत्सव में शामिल होंगे, उनके साथ बीजेपी के कई और मंत्री भी मौजूद रहेंगे। जल जगार कार्यक्रम के तहत मैराथन दौड़ भी आयोजित की जाएगी, लोगों को जागरूक भी किया जाएगा जल के संरक्षण के लिए। 3 श्रेणियों में हाफ मैराथन का आयोजन होगा ताकि लोग बड़ी संख्या में आ सकें, इस महोत्सव से इस कार्यक्रम से जुड़ सकें। नवरात्र मेला, कार्निवल और रुद्राभिषेक का भी आयोजन किया गया है, क्योंकि त्यौहार अब आने वाले हैं हमारे देश में। और इसी के साथ ही जल जगार महोत्सव को सक्सेसफुल बनाने के लिए सरकार लगी हुई है सफलतापूर्वक।